इसका कैसे बनेगा देखिए, ये नीचे वाला दोनों गुना करेंगे 15 × 180 और भाग करेंगे ऊपर वाला दोनों गुना से 9 × 12। ठीक है, तो 12 से कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, और ये कटेगा 5, 3, और ये कटेगा 5, तो कितना आ गया 25। ठीक है, अब उसी तरह दूसरा वाला में देखिए, 20 × 80 = 16, 16 × 5 = 80 और 4 × 5 = 20। इसका भी कितना आ गया 25, यानी थर्ड वाला का कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, तो 25 × x। ठीक है, इसको x मान लिए, 5 × 15। ठीक है, इधर बराबर कितना आना चाहिए 25, तो 25 से 25 ये कटा, यहाँ क्या बच गया 1 है ना, अब 15 × 5 तो x का मान कितना आ गया, तो यहाँ कितना भरा जाएगा 75। हाँ ऐसे देखिए, बीच वाला दोनों गुना कीजिएगा 6 × 5। ठीक है, अब पहला और तीसरा जोड़ना है, प्लस 8 + 5। ठीक है, ये बीच वाला दोनों गुना और पहला और तीसरा जोड़ना है, दिख रहा है ना, 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 13, कितना हो गया 43। आ गया लास्ट वाला, अब उसी तरह 7 × 6 = 42 + 9 + 6 = 15, तो 42 + 15 कितना हो गया 57। ठीक है, तो बीच वाला गुना करेंगे, तो 7 × x + पहला वाला 6 + x बराबर कितना है लास्ट वाला 40। तो ये 6 उधर का क्या हो गया 34, और ये कितना हो गया 8 है, तो x बराबर कितना हो गया 34/8, तो 8 × 6 = 32, 2 बचा 0 दे देंगे तो 20 हो गया, 8 × 2 = 16, फिर 4 × 8 = 40, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.25। इसका दूसरा मेथड देखते हैं, पहला और दूसरा गुना करेंगे 8 × 6 - 5, तो 48 - 5 कितना आ गया 43। इसी तरह पहला दूसरा 9 × 7 - 6 तो 63 - 6 कितना आ गया 57। अब उसी तरह 6 × 7 माइनस क्या कर देंगे x बराबर कितना होना चाहिए 40, तो 42 − x = 40, तो x को उधर लेके चले जाएंगे और 42 - कितना हो जाएगा 40, तो x = कितना आ जाएगा 2। तो अब आपको ऑप्शन देखना है कि 2 ऑप्शन है या 4.25 है ना, दोनों में कोई एक ही दिया रहेगा और उसी अनुसार आपको क्या करना है आंसर करना है। इस क्वेश्चन में 28 − 20 कितना हो गया 8, और इसी का ये देखिए 8 − 6 कितना आ गया 2, 2 का ही कितना गुना है 4 गुना। ठीक है, दिख रहा है ना, आ जाइए इसमें 37 − 25 बराबर कितना आया 12, और इधर 9 − 6 कितना आया 3, 3 का कितना गुना है 4 गुना, दिख रहा है। अब ऐसा ही ऐसे इसमें भी करना है, 36 − 12 बराबर कितना आ गया 24। ठीक है, और इधर x कर देंगे x − 4, अब ये जो होगा ये गुना जो होगा इसका कितना 4 गुना, तो इसका इक्वेशन हम लिखते हैं, देखिए x − 4 × 4 इसी का 4 गुना ना होगा बराबर कितना 24, 4 से डिवाइड हुआ 24, तो 6 x − 4, तो x = कितना हो गया 10।